गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 देखिए बेटा। इसके बेसिक्स को पढ़ने के बाद आप इसके एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें बताना है इज ए कर्व। ये कैसी कर्व है, क्लोज है या ओपन है? तो ये क्लोज कर्व है बेटा, ठीक है। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। लाइन सेगमेंट से मिलके जो क्लोज फिगर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीगन बोला जाता है, ठीक है। इन ए सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है सर्कल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इन द पॉलीगन गिवन अलोंग साइड्स, मतलब आपको ये पॉलीगन बना के दे रखी है, इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, ठीक है। इन द ए बी सी डी एंड ई एफ आर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, भाई ये क्या है, इसके क्या है वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई और एफ इस पॉलीगन के क्या है बेटा, वर्टिसेस हैं। ए बी एंड ए एफ आर द एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड ए एफ भाई जिनकी क्या है, ए की पॉइंट हो स्टार्टिंग, जैसे ए की पॉइंट से शुरू हो रही है जो साइड्स, उनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वाला है, सी एफ इज द डायगनल ऑफ द अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है बेटा, वो क्या कहलाता है, डायगनल कहलाता है। तो सी एफ इज द डायगनल ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कर लेंगी। यदि आपने इसके बेसिक्स को पढ़ लिया है तो बेटा एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है, डायग्राम आपको बुक में बना के दे रखा है, उस डायग्राम के बेसिस पे ही आपको आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का सेंटर बताना है, तो बेटा इसके अंदर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। थ्री रेडी, आपको इसके थ्री रेडियस बताने हैं, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट सर्कल का क्या कहलाता है बेटा, रेडियस कहलाता है। तो इसमें क्या क्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, इसके क्या है, इसके रेडियस हैं, ठीक है। ए डायमीटर, डायमीटर पूछा है ए सी, डायमीटर क्या होता है बेटा, सर्कल की एक ऐसी कोण जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है उसको हम सर्कल के डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। वैसे भी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोण ऑफ द सर्कल, डायमीटर जो होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोण होती है बेटा, ठीक है। ए कोण, कोण आपको बतानी है, वैसे तो ए सी भी इसकी कोण है लेकिन इस डायग्राम में हमें डी ई अलग से दे रखी है, तो डी ई हम इसकी कोड लिख देंगे, वैसे ए सी भी इसकी कोड है, ठीक है। क्योंकि कोड क्या होती है, बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल की कोड कहलाती है, ठीक है। टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर की तरफ दो पॉइंट्स आपको बताने हैं, तो पॉइंट एफ और पॉइंट पी हो गए, ठीक है। उसके बाद है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स की बाहर की तरफ आपको बताना है क्या पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट है इसके बाहर, ठीक है। ए सेक्टर, सेक्टर मीन्स की उसके अंदर सर्कल की क्या आना चाहिए, सेंटर भी इंक्लूड, मतलब दो रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो जो रीजन है वो उसका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो ए ओ बी इसका क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है, या ओ ए बी भी लिख सकते हो आप। सेगमेंट क्या है, बाउंड्री, मतलब कोई भी कोड है, कोड और बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ई डी इसका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर डायग्राम आपको बुक में गिवन है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये बुक में नहीं बना रखा, इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट पूछा है क्वेश्चन में टू ट्रायंगल्स, आपको ये बताना है कि इस डायग्राम में दो ट्रायंगल कौन कौन सी है। तो देखिए बेटा, एक तो ए बी सी ट्रायंगल हो गई और ए डी ई ट्रायंगल हो गई, ठीक है। इसमें दो ट्रायंगल हो गई, ए बी सी और ए डी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल कौन कौन सी हो गई बेटा इसके अंदर, ए बी सी और ए डी ई, फर्स्ट पार्ट ये इसमें दो ट्रायंगल पूछी है तो आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फाइव एंगल्स पूछे हैं बेटा कि इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, ठीक है, ये एंगल्स हैं। और ये वाला जो सिंबल है ये बेटा हमारे पास क्या है, एंगल्स का सिंबल है, ठीक है। सिक्स लाइन सेगमेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, आपसे के पास जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स पूछी है आपसे, तो लिख दोगे आप इनकी साइड्स ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। उसके बाद ए डी, डी ई और ई ए, ठीक है।
कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, तो आप लिख दोगे। उसके बाद टू ट्रायंगल्स विच हैव कॉमन ए एज द कॉमन, आपको दो ट्रायंगल बतानी है जिसका क्या है ए कॉमन एंगल है। तो क्या हो गया, एक तो बी ए सी ट्रायंगल हो गई, दूसरी डी ए ई हो गई। ए एंगल को बीच में रखना है क्योंकि इसमें हमें कॉमन पूछा है कि आपको दो ट्रायंगल्स ऐसी बतानी है जिसका कॉमन एंगल क्या हो, ए हो। ठीक है, तो क्या बन गई, बी ए सी और डी ए ई। ठीक है, उसके बाद है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है बेटा, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे यदि आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। तो ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन क्या है, ए एम है। ठीक है, वर्टेक्स से जो ये साइड है इसको जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इसका मीडियन क्या हो गया, ए एम हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद हमसे एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए डी ई पूछा है। ए डी ई का एल्टीट्यूड बताना है आपको, वो क्या होगा, वर्टेक्स से इसके जो अपोजिट साइड है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ए पी इसका क्या हो गया बेटा, एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, उसके बाद है मीडियन कैन बी ड्रोन इन ए ट्रायंगल, मीडियन भी थ्री ड्रा कर सकते हो और आप एल्टीट्यूड भी एक ट्रायंगल में थ्री ही ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कितनी साइड है इसमें, थ्री साइड है और थ्री वर्टिसेज है, तो एक तो आप यहां से कर देंगे, एक आप यहां से कर देंगे। इसमें भी जैसे ऐसे आपने मीडियन ड्रा किया है, ऐसे एक बी पॉइंट से करेंगे और एक सी पॉइंट से, तो एक ट्रायंगल में थ्री एल्टीट्यूड ड्रा किए जा सकते हैं और थ्री ही मीडियन ड्रा किए जा सकते हैं। उसके बाद बेटा जो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें कह रखा है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर आर्क को बेटा आप उसके अंदर स्केल के अंदर माप के और फिर आप सर्कल बनाओगे। ठीक है, देखिए उसको आप कैसे बनाओगे, जैसे आपके पास स्केल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो रेडियस लेना है ना, जब भी आप कंपास में आर्क भरेंगे भाई, तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर जीरो पॉइंट पे आप यहाँ ऐसे रखोगे और जितने सेंटीमीटर का आपसे पूछा है उतना इसमें आप कर लोगे। जैसे यहाँ जीरो पे आपने रख दिया, आपसे थ्री पॉइंट पूछा है, तो थ्री पॉइंट आपके पास कहाँ तक है भाई, यहां से लेके और यहां तक, थ्री और फोर का हाफ होगा ना, तो ये 3.5 रेडियस हो गया। तो ऐसे आप 3.5 रेडियस का ऐसे सर्कल बना लोगे आप। ठीक है, ऐसे इसमें स्केल से माप के। ठीक है, तो आप सर्कल बनाने के बाद आप इसके अंदर सेंटर लिखना है, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर और एन आर्क। ठीक है, तो देखिए मैंने बना दिया है ये सर्कल, इसके अंदर सेंटर मैंने ओ बना दिया है, रेडियस इसके अंदर ओ ए, ओ बी और ओ सी हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह ही कर सकते हो आप। सेंटर ओ हो गया, रेडियस इसमें क्या है, ओ ए है, ओ एन है, ओ बी है और ओ सी है, ये सारे इसके रेडियस आप लिख दो। डायमीटर क्या है, ए सी इसका डायमीटर है, क्योंकि सर्कल बाउंड्री के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाला सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है वो क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, तो ए सी इसका डायमीटर हो गया। सेक्टर क्या हो गया, सी ओ बी इसका सेक्टर हो गया, क्योंकि दो रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, लेकिन उसमें सेंटर भी है, तो क्योंकि रेडियस तो सेंटर से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, इसका सेक्टर है। सेगमेंट क्या हो गया, ईडी इसका सेगमेंट हो गया भाई, ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट हो गया। पॉइंट इन इंटीरियर, इंटीरियर में आर हो गया, एक्सटीरियर में टी ड्रा कर दिया हमने, आर्क ईडी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन है ना सेम उसी की तरह ही है। एक बार इसके बेसिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आप इनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।